यूपी की सत्ता दोहराने की कोशिश में लगी भाजपा ने पहले चरण के मतदान से पहले अपनी उपलब्धि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रही है। इसी क्रम पार्टी ने शनिवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार वाहनों को रवाना किया। उन्होंने अपनी सरकार के काम का ब्यौरा भी पेश किया, कहा कि यूपी से अपराधी पलायन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पहले लोगों को पलायन कराया जाता था, लेकिन अब अपराधी पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के लिए हमारी सरकार में कोई जगह नहीं है। हमने जो कहा है वो करके दिखाया है, हमने विकास सबका किया है, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इसी संकल्प के साथ हमने विकास सबका किया है लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि हमको इन प्रचार वाहनों का काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने 5 वर्ष में प्रदेश में विकास का काफी काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि हमको इस प्रचार वाहनों का काफी लाभ मिलेगा। हमने 5 वर्ष में प्रदेश में विकास का काफी काम करने के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी पटरी पर ला दिया है। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी और अन्य लोग पलायन करते थे, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति का एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास कर रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि यूपी में अब कोई माई का लाल पलायन नहीं कर सकता। जनता की यही पुकार यूपी मांगे बीजेपी सरकार। उन्होंने कहा कि हम सपा बसपा के कुशासन को जनता के बीच ले जाएंगे और जनता से समर्थन मांगेंगे। जनता इसे समझ रही है, इसलिए फिर भाजपा सरकार बनने जा रही है।